समझते हैं मैनेजमेंट का मतलब. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब ये जो पूरी डेफिनेशन है उसके अंदर मैं आपको तीन वर्ड्स मार्क करूंगा, प्रोसेस, इफेक्टिव, एफिशिएंट. ये तीनों वर्ड्स पर अच्छे से फोकस करिएगा. पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेस की. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो हमें सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सही से फॉलो करना पड़ेगा. जैसे मैं अगर बात करूँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पाँचों जो हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट को, इसको हमें सही से फुलफिल करना पड़ेगा तो ही हम आगे बढ़ने वाले हैं. ये हो गया प्रोसेस. दूसरा हमारा एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब लो कॉस्ट. अगर मैं सारा काम लो से लो कॉस्ट में करूँगा तो ही मैनेजमेंट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा. और तीसरा पॉइंट है हमारा इफेक्टिव. इफेक्टिव मतलब टाइम पे काम होना. अगर मेरा काम बहुत अच्छी कॉस्ट पे हो रहा है, मैं सारे प्रोसेस संभाल रहा हूँ, लेकिन वो टाइम पे नहीं हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो. सपोज मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मैं उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करता हूँ, वो काम मेरा टाइम पे तो हो जाता है लेकिन उसका कॉस्ट मेरा बढ़ जाता है, तो क्या हमारा काम इफेक्टिव है, एफिशिएंट है? हमारा काम है इफेक्टिव. क्यों? टाइम पे तो खत्म हो गया लेकिन बहुत सारे वर्कर्स बढ़ने के कारण वो एफिशिएंट नहीं रहा. अगर इसी एग्जांपल को हम लोग थोड़ा और अलग तरीके से देखें, जैसे अगर मुझे कोई काम कंप्लीट करना है, मैं क्वालिटी के साथ तो खत्म कर रहा हूँ लेकिन टाइम पे ख़त्म कर रहा नहीं हूँ, तो मेरा काम भले इफेक्टिव है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है. मुझे दोनों का प्रॉपरली बैलेंस करके रखना पड़ेगा. इफेक्टिव हो या एफिशिएंट, उन दोनों का प्रॉपर बैलेंसेस करना कंपलसरी है. वापस, इफेक्टिव मतलब टाइम पे, एफिशिएंट मतलब क्वालिटी और प्रॉपर कॉस्ट के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट स्लाइड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमें दिए गए 7 पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, ऑल परवेसिव. आज हम लोग बात करें इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, कोई भी जगह की बात करो, पूरे ग्लोब के अंदर मैनेजमेंट हमें हर जगह चाहिए होगा, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल. तो आप ध्यान रखना, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ चाहिए? हर जगह चाहिए, क्योंकि वो क्या है? परवेसिव है, यानी यूनिवर्सल है. पॉइंट नंबर 2 की बात हम लोग करेंगे गोल ओरिएंटेड. आज हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर गोल. हम जब भी कोई चीज़ मैनेज करने जाएंगे, कोई ना कोई गोल लेके जाएंगे. हमारे गोल्स कैसे हो सकते हैं? जैसे मेरा गोल है मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, सिर्फ खर्चा निकालना है. मेरा गोल है मुझे मेरी ब्रांचेस बढ़ानी है. मेरा गोल है कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है. मेरा गोल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स बढ़ानी है. तो मेरे अलग अलग गोल हो सकते हैं. तो जो भी हमारा गोल होगा उसको अचीव करने में हमें हेल्प कौन करेगा? मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस. मैनेजमेंट हमें डेली करना पड़ेगा. मतलब ये नहीं हो गया कि मैंने कल मैनेजमेंट नहीं किया, आज करूँगा, परसों नहीं करूँगा. नहीं, मैनेजमेंट डेली मुझे करना पड़ेगा. वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. डेली मुझे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस मुझे डेली कवरअप करने पड़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें पॉइंट दिया हुआ है डायनामिक. आज अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डायनामिक में हमारा मेन पॉइंट होता है कि मैनेजमेंट के अंदर के चेंजेस. जैसे आज कस्टमर्स को फॉर एग्जांपल धोती चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल वेस्टर्न क्लोथ चाहिए. पहले के समय था धोती, आज के एग्जांपल है वेस्टर्न क्लोथ. तो लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा. मैं अगर आके ऐसा बोलूँगा नहीं मेरा तो धोती का बिजनेस है और मैं वही कंटिन्यू करूँगा, तो मेरा काम होने वाला नहीं है. जैसा फैशन चेंज होगा वैसे मुझे भी चेंज होना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ है मल्टी डायमेंशनल. इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद अच्छे से समझेंगे. नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ इंटेंजिबल. मैनेजमेंट कभी भी देख नहीं सकते, वो टेंजिबल नहीं है, वो इंटेंजिबल है. और इंटेंजिबल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जिस चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. हम लोग उसको देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसे फील कर सकते हैं. तो वो होता है इंटेंजिबल. नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ है ग्रुप एक्टिविटी. जब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी की, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी. जैसे कि हम लोग चाहे, हम लोग कभी भी अकेले मिलकर मैनेजमेंट नहीं कर सकते. हमें एक ग्रुप के साथ काम करना पड़ेगा, एक टीम वर्क करना पड़ेगा, और टीम वर्क भी एकदम हार्मनी के साथ. मैनेजमेंट अगर मैं अकेला करने जाऊँगा तो वो मैनेजमेंट नहीं, वो मजदूरी हो गया. वो क्या हो गया? मजदूरी. मैनेजमेंट मतलब एक टीम के साथ में काम करना, एक ग्रुप एक्टिविटी के साथ में काम करना. अब आप सब ध्यान देंगे, ये जो 7 पॉइंट्स हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे के सारे. ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल और ग्रुप एक्टिविटी. ये सारे पॉइंट्स हम लोग इनिशियल्स लेते हैं. ए जी सी डी एम आई जी. हम लोग एक काम करेंगे, ये सारे इनिशियल्स से एक पोएम बनाएंगे कि आज हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना का, हमारे देश का एम क्या है? गो कोरोना गो. तो देश का एम गो कोरोना गो, डी ए आई एम जी सी जी.
तो ये सारे पॉइंट्स के थ्रू आप इस पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जब आप बोलोगे देश, डी डी मतलब डायनामिक, देश का एम ए आई एम, ए मतलब ऑल परवेसिव, आई मतलब इंटेंजिबल, एम मतलब मल्टी डायमेंशनल, हमारा एम क्या है, गो कोरोना गो, जी मतलब गोल ओरिएंटेड, सी मतलब कंटिन्यूस और जी मतलब ग्रुप एक्टिविटी। तो हम लोग वैसे ही बात कर रहे थे, देश का एम गो कोरोना गो। तो आई होप ये पोएम के थ्रू आप लोग सब कुछ लर्न आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि एक टॉपिक समझाना बाकी है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मतलब एक मल्टी फेसेटेड प्रोसेस है। मल्टी फेसेटेड कैसे, उसके थ्री फेसेस आएंगे, वर्क पीपल ऑपरेशन। जो मैनेजर है उसको तीन जगह पर ध्यान देना पड़ेगा, वर्क पीपल ऑपरेशन। नंबर वन वर्क, आज मैं आपको तीनों पॉइंट्स एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल है हमारा शुगर प्रोडक्शन, एक शुगर की फैक्ट्री, समझिए एक शुगर की फैक्ट्री है, उसमें उसका वर्क क्या है कि उसको प्रोडक्शन करना है और उसकी अच्छी खासी सेल्स करनी है, उसका मेन काम है शुगर का मैन्युफैक्चरिंग करना। दूसरा पीपल, उसको अपने एम्प्लॉयज को अपने लेबर्स को संभाल कर रखना पड़ेगा, उनको टाइम टू टाइम वेजेस सैलरी जो भी वो लोग पे कर रहे हैं इंसेंटिव्स सब टाइम टू टाइम उनको देनी पड़ेगी, ऐसा कि वो लोग हमेशा सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, आज हम लोग बात कर रहे थे हमें शुगर फैक्ट्री की, हम लोग बात कर रहे हैं शुगर फैक्ट्री में कैसे शुगर बनती है, पहले शुगर केन आएगी, उसका जूस निकलेगा, उसको सुखाया जाएगा, उसके बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स बनेंगे, उसको तोड़ा जाएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा, वापस रिफाइन किया जाएगा, ये सारे ऑपरेशंस, तो हमें उनका भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे नहीं प्रोड्यूस करो, करो एक एक चीज़ कि भाई ग्रैनुल्स बनाने वाली मशीन सही है कि नहीं है, जूस निकालने वाली मशीन सही है कि नहीं है, तो सारे प्रोसेसेस सारे ऑपरेशंस मेरे को ध्यान से देखने पड़ेंगे, वो क्या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मेरा एक कैफ़े है, ऑलराइट। अब कैफ़े के अंदर मेरे क्या, मैं जब नया कैफ़े स्टार्ट करूँगा तो मैं क्या सोचूँगा, पहला पॉइंट मेरा खर्चा निकल जाए, मेरे खर्चे निकल जाए ताकि मैं सर्वाइव कर लूँ, ठीक है, इतना पैसा आ जाए कि भाई मुझे लॉस ना हो, और ठीक है। तो पहला मेरा एग्जाम्पल रहेगा कि मैं सर्वाइव करूँ, दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा कि मैं प्रॉफिट करूँ, दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा कि मैं प्रॉफिट करूँ। आज मैंने सर्वाइव करना सीख लिया है, मेरे खर्चे कवर अप हो रहे हैं, दूसरा दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि मैं प्रॉफिट करना शुरू कर दूँ, मेरे पास खर्चा भी निकल जाए, पैसा खुद के लिए भी बचे। और ओके, जब मैं पैसा कमाने लग जाऊँगा तो मेरे दिमाग में आगे क्या इच्छा आएगी कि मैं अपनी ब्रांचेस बढ़ाऊँ, उसको बोलते हैं ग्रोथ। सो हमारे तीन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तीनों आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर। दूसरा हमारा पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आज हम लोग कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग ये बिजनेस क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सोसाइटी। आज सोसाइटी हमें रिसोर्सेज दे रही है इतने सारे अच्छे अच्छे, तब जाके हम लोग बिजनेस कर पा रहे हैं। और ओके, सो सोसाइटी को हमें रिटर्न में सब कुछ अच्छे से देना पड़ेगा, हमें इस सोसाइटी को अच्छे से अच्छे गुड्स देने पड़ेंगे, फेयर प्राइस पे, फेयर क्वालिटी पे। तो हमारा एक और ऑब्जेक्टिव रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव, कि सोसाइटी को जो सोसाइटी ने हमें दिया है उसके बदले में अच्छी रिटर्न्स उनको दे सके, फेयर प्राइस के नाम पे, फेयर क्वालिटी के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पे, एक्सेट्रा। तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एक फर्म के अंदर एक इंडिविजुअल होता है, एक एम्प्लॉय होता है, उनके खुद के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई उनको छुट्टियाँ चाहिए, उनको नाम चाहिए, उनको पीयर रिकग्नाइजेशन चाहिए, लोगों को मालूम पड़े कि वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट हो। तो एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए, अच्छी से अच्छा रिकग्नाइजेशन उनको दिया जाए। और ठीक, तो तीन ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ये तीनों मिलाएंगे, सब पे ध्यान देंगे तो ही अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। तो ये तीनों हमारे रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर आपको चार पॉइंट्स दिए गए हैं, आप साइड में देख सकते हैं, आपको चार पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है आपका अचीवमेंट ऑफ गोल। और ओके, आज मेरा गोल क्या है आपको पढ़ाना, व्हाट वी आर डूइंग, प्रॉपर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहेंगे हमने अपना गोल अचीव कर लिया। और ओके, तो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अपना गोल अचीव करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, सारे इंडिविजुअल्स को फोकस करवाना कि हमें हमारा गोल अचीव करना है, दैट इज़ मैनेजमेंट, पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर टू की हम लोग बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर टू में दिया हुआ एफिशिएंसी। और ओके, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, लोअर कॉस्ट में काम करना, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मैनेजमेंट इस तरीके से आपको करना चाहिए कि आपका कॉस्ट कम से कम आए, कॉस्ट कम से कम आए, आपका हर एक रिसोर्स जो है, कौन से रिसोर्स है आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी आपके रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो। पॉइंट नंबर थ्री की मैं बात करूँगा, पॉइंट नंबर थ्री में हम देखेंगे क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे आज मैं आपको बात करता हूँ, आज ये कोरोना वायरस का असर चल रहा है, राइट। सो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना फ्लेक्सिबल है, हम लोग मिलके इतने फ्लेक्सिबल है कि हम लोग सारे चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन कोचिंग्स में आ रहे हैं, हम लोग सारे चेंजेस अडॉप्ट करके सारा हमारे गोल्स अचीव कर रहे हैं। कितना भी फैक्टर्स आ जाए, भले वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई भी फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर सकता नहीं है अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो पॉइंट ये है कि हम लोग एकदम डायनामिक हो जाते हैं अगर हम लोग अच्छा मैनेजमेंट कर सकें तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की, अगर प्रॉपरली आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपकी सोसाइटी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि टाटा अंबानीज, ये सब जो फैमिलीज है उनका मैनेजमेंट देखिए कितना ज़बरदस्त है, और उनके मैनेजमेंट से वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक ना इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, वो वीडियो आप देखिएगा, साइड में आने वाला है, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। तो देखिए ये वीडियो स्टार्ट। Hundreds of shoppers rush into a Los Angeles Costco this morning with this warning. Supplies are being rationed to keep up with the unprecedented coronavirus panic shopping. Customers run down store aisles at full speed and then quickly start loading up their crews were allowed exclusive access inside the store before it. चलिए हम हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन शुरू करते हैं। हमें पता करना है कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या वो एक आर्ट है या वो एक प्रोफेशन है। शुरुआत करते हैं साइंस से। पहले समझेंगे साइंस का मतलब। साइंस का मतलब ये होता है, साइंस इज अ स्पेशलाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स डिराइव्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब साइंस एक स्पेशलाइज नॉलेज है जो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाया गया है, और वो प्रिंसिपल्स कैसे बने गए, बार बार एक्सपेरिमेंट करने से। साइंस के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, हम लोग पता करते हैं कि क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है। पहला फीचर, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब साइंस के अंदर जितनी भी थ्योरी दी गई है वो नंबर ऑफ इयर्स की ऑब्जर्वेशन करने के बाद ढूंढी गई है। क्या मैनेजमेंट की थ्योरी भी ऐसी ही होती है? हाँ, मैनेजमेंट की भी जितनी भी थ्योरी वो भी नंबर ऑफ इयर्स की ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता गई है। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट है? हाँ, ये फीचर प्रेजेंट है। नंबर टू, हम लोग बात करते हैं थियरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए गए हैं। अगर सेम आउटकम आ रहा है तो उसे डिक्लेयर किया गया एज प्रिंसिपल। क्या मैनेजमेंट में ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? मैनेजमेंट के सारे एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर होते हैं? ह्यूमंस के ऊपर। और क्या कभी ह्यूमन स्टेबल होते हैं? नहीं। उनका बिहेवियर डेली चेंज होता है, उनकी नीड्स डेली चेंज होती है। आज जो मुझे चाहिए शायद वो मुझे कल नहीं चाहिए हो, तो हमारी नीड्स डेली चेंज होती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स सेम रह सकते हैं? नहीं है। तो क्या ये फ्यूचर प्रेजेंट है? नहीं, ये फ्यूचर प्रेजेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली वैलिड है। मतलब अगर मैंने कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया या यूएस में किया, उसका आउटकम सेम ही आने वाला है। मैं यहाँ पे बॉम्ब फोड़ूं या यूएस में बॉम्ब फोड़ूं, इफेक्ट में कोई फर्क आने वाला नहीं है। आज मैं यहाँ पे आग लगाऊंगा तो यूएस में भी आग लगेगी। आज हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं साइंस के अंदर, वो सब हर जगह सेम ही वैलिड है, यूनिवर्सली वैलिड है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। क्यों? आज अगर मैं कोई पर्टिकुलर टैलेंट यहाँ पे शो कर रहा हूँ, शायद वो टैलेंट कहीं और ना चले, वो जगह के सबसे डिफर करेगा, बिकॉज मैनेजमेंट डायनामिक होता है। हमने डिसाइड किया था, हमने सुना था, समझा था इस बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। तो अगर हम लोग इस पर फोकस करें, साइंस के जो तीन फीचर्स दिए गए उसमें पहला फीचर ही प्रेजेंट है, बाकी तो फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या मैनेजमेंट साइंस है? नहीं, उसमें सिर्फ एक ही फीचर प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस। क्या है वो? इन एग्जैक्ट साइंस, या फिर आप कह सकते हो सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया? क्या वो साइंस है? नहीं, वो है इन एग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस। पॉइंट नंबर टू, आर्ट। आर्ट, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब ये होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपको यूज करना अपने अपने स्किल सेट के थ्रू। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? चलिए पता करते हैं। आर्ट का पहला फीचर, आर्ट के अंदर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टिंग लिटरेचर। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? हाँ, आर्ट में भी है, मैनेजमेंट में भी है। तो ये पॉइंट वैलिड है। पॉइंट नंबर टू, डायनामिक एप्लीकेशन। डायनामिक एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आर्ट, हम लोग अगर बात करें आर्ट की, तो हर जन का आर्ट अलग अलग होता है। समझिए कोई एक आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले, तो क्या सब सेम लेवल के आर्टिस्ट बनेंगे? नहीं, सब अलग अलग लेवल के बनेंगे। तो क्या ये फ्यूचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है? हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे बच्चे एक ही मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, पर उन सबका क्या मैनेजमेंट करने का तरीका सेम रहेगा? नहीं, सबका अलग अलग रहेगा। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ डायनामिक एप्लीकेशन, जो आर्ट और मैनेजमेंट दोनों के अंदर पॉसिबल है। पॉइंट नंबर थ्री,
प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर हम लोग बात करें आर्ट की, तो आर्ट जो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करने से सुधरता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप आर्ट में अच्छे होंगे, जितनी आप क्रिएटिविटी लेके आओगे उतने आप आर्ट में अच्छे होंगे। तो क्या ये फ्यूचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर? हाँ, ये फ्यूचर प्रेजेंट है। क्यों? मैनेजमेंट भी कब अच्छा होता है? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। जब आप जितने क्रिएटिव होगे, जैसे आज हम इतने क्रिएटिव हुए, तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट और अच्छे से हो रहा है। तो क्या ये फ्यूचर प्रेजेंट है? हाँ। तो हम लोग अगर बात करें क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, हाँ मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट है। नेक्स्ट, ओके, सो पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोफेशन का मतलब क्या होगा। प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जिसने एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज नॉलेज अचीव की हो बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग फॉर द सेम। मेरा पॉइंट ध्यान से सुना, बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग फॉर द सेम। ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आज अगर हम लोग बात करते हैं कोई प्रोफेशन की, तो उसे कोई ना कोई जगह ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे CA के लिए होती है आर्टिकलशिप 3 साल की, डॉक्टर्स के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होती है, CS के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होती है। हर जगह 3 साल या 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कवरअप करना पड़ता है, तभी जाके उनको उनका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो अगर वो प्रोफेशनल बनना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या मैनेजमेंट में इस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? जैसे आज आपकी मैं बात करता हूँ, पेरेंट्स की बात करता हूँ, आपको आपके मॉम डैड वो अच्छे मैनेजर्स है, क्या उन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली है? क्या हाउसवाइफ के लिए उन्होंने कोई सर्टिफिकेट लिया है? नहीं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होती नहीं है। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 1, सिस्टमेटिक नॉलेज। अगर आज आपकी प्रोफेशन बनना है तो उसकी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स होती है जो उसकी नॉलेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग लेके प्रैक्टिस करके आप प्रोफेशनल बन सकते हो। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? हाँ होता है। जैसे मैनेजमेंट के हम लोग देखें इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्जाम्पल IIM, और जहाँ से आप पूरा मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 2, फ्रीडम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आज अगर प्रोफेशन आपको कहलाना है, अगर आपको कहलाना है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, तो क्या आपको उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी? हाँ, आप उसे क्वालिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो ही आप अपने आपको प्रोफेशनल कह सकते हैं। बट क्या आपको मैनेजर कहने के लिए कोई डिग्री लेने की ज़रूरत है? नहीं। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको अपने आप के लिए कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हर पर्सन अपना कोई मैनेजर बोल सकता है, लेकिन हर पर्सन अपना कोई प्रोफेशनल बोल सकता नहीं है। तो ये पॉइंट मैनेजमेंट का प्रोफेशन से मैच होता नहीं है। पॉइंट नंबर 3, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशंस के अंदर बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, जैसे डॉक्टर्स क्लब, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लब, जहाँ पे उनको उनके सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हर डॉक्टर को उस एसोसिएशन के साथ ज्वाइंट होना कंपलसरी है। क्या मैनेजमेंट के एसोसिएशन होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन मैनेजर्स को उसके साथ ज्वाइन होना कंपलसरी होता नहीं है। तो ये फीचर मैनेजमेंट का प्रोफेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 4, कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशंस के अंदर होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हर एक जगह फॉलो करना कंपलसरी है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उनकी प्रोफेशनल डिग्री ले ली जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट में हर एक जगह के पास डिग्री होती ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती ही नहीं है। मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं है। नहीं, वो एक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट धीमे धीमे करके प्रोफेशन बनने वाला है। मैनेजमेंट इज ऑन द वर्ड्स टू बिकम एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज ऑन द वर्ड्स टू बिकम एन प्रोफेशन। आर्ट, ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। नेक्स्ट, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट की हायरार्की, ठीक है? आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें दिया हुआ होगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल मतलब वो लेवल जहाँ पे सारे के सारे मेन हेड लोग बैठते हैं। जैसे हम लोग बात करें कंपनी का CEO, COO, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सो ऑन। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता क्या है, उनके क्या क्या काम रहते हैं? उनका पहला काम होता है कि सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, सब लोगों से कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना, भले वो पार्टीज हमारी खुद की फॉर्म की हो इंटरनल या बाहर की हो एक्सटर्नल। दूसरा उनका काम होता है कि फर्म का सर्वाइवल देखना, आज फर्म सर्वाइव कर रही है कि नहीं। उनका प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल उठाने वाला है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो तो अपनी सैलरी लेके निकल जाएंगे, लेकिन जो टॉप लेवल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपना सर्वाइवल करे। बाहर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने किसको है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। उनको ध्यान रखना कि उनकी फर्म सर्वाइव करती रहे। हमारे फर्म की जितने प्लान्स एंड पॉलिसीज होगी वो कौन बनाने वाला है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होता है जो सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगा, जो सबके साथ रिलेशन मेंटेन करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, जो फर्म का सर्वाइवल देखेगा, जो फर्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? वो एक लिंक है टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में। उनके अंदर कौन कौन आने वाला है? उनके अंदर आने वाले हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड।
तो ये सारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो आने वाले हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए उसका दूसरा नाम है डिपार्टमेंटल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका दूसरा नाम है डिपार्टमेंटल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसका काम रहेगा कि टॉप लेवल से जितने प्लान्स एंड पॉलिसीज बन रहे हैं वो सब बॉटम लेवल पर लेके जाए, और बॉटम लेवल में जितना काम हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग टॉप लेवल पर लेके जाए। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल। उसमें होते हैं सारे के सारे सुपरवाइजर्स। जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि सुपरवाइजर्स होते हैं जो वर्कर्स सारा काम करवाते हैं, मतलब पहले टॉप हेड, फिर मिडल, फिर सुपरवाइजर्स, उनके नीचे वर्कर्स। जो सुपरवाइजर्स होते हैं जो वर्कर्स का ध्यान रखते हैं, और ओके उनको सुपरवाइजर्स को सारा काम देना है और उनकी रिपोर्टिंग करनी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंक होते हैं वर्कर्स और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। अगर वर्कर्स सही से काम नहीं कर पा रहे, सही से उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी प्रॉब्लम्स लेके मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कंप्लेन उनकी लिखवा देंगे ताकि वो सॉल्यूशन उनको मिल जाए। क्यों? वर्कर्स हमारी कंपनी का सबसे बड़ा एसेट होता है। आज अगर हम लोग देखेंगे जो वर्कर्स है वही लोग हमें बाहर से सारी कंप्लेंट्स है वो ला के देंगे, कि बाहर, क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर से लिंक्ड है, तो जितने कस्टमर्स की प्रॉब्लम होगी वही हमें ला के देने वाले। वो सारी कंप्लेंट जाएगी सुपरवाइजर्स के पास में, सुपरवाइजर्स अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो वो जाएगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास में, और अगर वो भी सॉल्व नहीं कर पाया तो वो जाएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में। आई होप आपको टॉप, मिडिल और बॉटम क्लियर हो गया होगा। एक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मुझे आज समझिए कोई नया गोल मैंने बनाया है, मेरा गोल है कि मुझे अच्छी से अच्छी क्लासेस आपको देनी है। मैंने गोल डिसाइड किया, उसको मैं कहूँगा प्लान। अब वो मैं कैसे करूँगा वो पूरा उसको मुझे प्लानिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जब मैं प्लानिंग प्रोसीजर फॉलो करूँगा तो मुझे आपको अगर वीडियो क्लासेस देनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अच्छी टीम चाहिए होगी जो एडिटिंग कर सके, एक टीम होगी जो रिकॉर्डिंग कर सके, एक टीम होगी जो कंटेंट बना सके। सारे काम को ग्रुपिंग करना पड़ेगा, सारे काम को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। अब ग्रुप्स तो हमने बना दिए, पर कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम देना है। और फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर एडिटिंग में अच्छा है और उसको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा तो मतलब ही नहीं है बात का। मुझे हर जन को वो काम देना पड़ेगा जो काम में वो लोग एक्सपर्ट है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। चलो स्टाफ मैंने लगा दिया लेकिन वहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो रही है, मुझे उनको हमेशा गाइडेंस देते रहना पड़ेगा कि भाई अब ये करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है। उनको पूरा मुझे मोटिवेशन देना पड़ेगा, उन पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उनका लीडर बन के चलना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। और आखिर में ये सब मुझे करने के बाद उनके ऊपर एक वॉच रखनी पड़ेगी कॉन्स्टेंटली कि वो लोग सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कि हमारा जो टारगेट सेट किया हम लोगों ने उसके बीच में कोई डेविएशंस तो नहीं आ रहे। अगर कोई डेविएशंस आ रहे हैं तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो दिमाग में मुझे लगाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। मैंने 5 टर्म्स बोले आपके सामने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या करना है? ग्रुपिंग करना है उसको, कौन करेगा उसे, उनको मुझे मोटिवेट, कम्युनिकेट, लीडरशिप दिखाना, और उनके ऊपर सारे एरर्स जो उनके हो रहे हैं उनको रेक्टिफाई करना ताकि हमारा गेम अचीव हो सके। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो हम लोग करना पड़ेगा मैनेजमेंट के अंदर। तो ये 5 पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है कोऑर्डिनेशन। आज हम लोगों ने इतने सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखे जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन ये सब के लिए मेन चाहिए हमें इनके साथ में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा कि सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी ड्यूटीज़ को एक साथ में सिंक्रनाइज करना। सिंक्रनाइज करना मतलब इकट्ठित करना, मतलब एक साथ में लेके आना। अगर वो साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो कुछ चलने वाला नहीं है। कितना भी अच्छा प्लान हो, कितनी भी अच्छी हायरार्की हो, कितना भी अच्छा स्टाफ हो, कितना भी मोटिवेशन दे दो, कितना भी कंट्रोल कर लो, लेकिन इन सब के अंदर आपको चाहिए रहेगा हमेशा हमेशा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन करता क्या है? कोऑर्डिनेशन हमारे सारे के सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं पर हम लोग का एक कॉमन गोल है, उसको इंटीग्रेट कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, अगर हमें आज कोऑर्डिनेशन करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? अगर हम लोग प्रॉपरली सारे एक्टिविटीज को स्टार्ट रखेंगे तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, उसे हम लोग फॉलो करेंगे तो, और सारी एक्टिविटीज़ के पीछे बैलेंस रखेंगे, सारी के सारी एक्टिविटीज़ के पीछे बैलेंस रखेंगे तो ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली। तो आप नीचे देखिएगा, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए। उसके अंदर आपको दिया हुआ है पहला पॉइंट कि सारा काम स्टार्ट रखना, दैट इज इंटीग्रेट करना। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है सारे एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना, तो शेड्यूल आपको करना कंपलसरी। और तीसरा, हर एक चीज़, हर एक फंक्शन के बीच में बैलेंसिंग करना। तो ये 3 आपके हो गए एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या क्या चाहिए होगा आपको? सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना, प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करना, और हर जगह पे बैलेंस रखना। वापस इंटीग्रेट, शेड्यूल और बैलेंस, ये 3 चीज़ करके आपके बनेंगे कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं,
बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, हमारा फाइनल टॉपिक कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के थ्रू। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स समझेंगे सारे के सारे। पहला फीचर, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन ध्यान रखेगा कि आपके सारे के सारे काम प्रॉपर तरीके से हो जाए, आप जो जो एक्शन ले रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में जाए, इंडिविजुअल एफर्ट जितने भी है वो सबको मिला के एक ही एक्शन में लेके जाना हम लोग को, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। पॉइंट नंबर टू, हमारे फर्म के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनके वैरायटी ऑफ नीड्स होते हैं, वैरायटी ऑफ टेस्ट होते हैं, हमें उनको कैसे भी करके एक ही जगह पे लेके आना है, उनके वैरायटी ऑफ नीड्स होगी, उन नीड्स को हमें एक ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ लेके आना है। तो सारे के सारे ग्रुप्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट को हमें ध्यान रखना है और ये पता करना है कि उनके जो ग्रुप एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ इंटीग्रेट हो। पॉइंट नंबर थ्री, कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें डेली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, हमें डेली उसको रिपीट करना पड़ेगा, एवरी टाइम एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमें उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। पॉइंट नंबर फोर, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है आपको याद है, आई थिंक आपको याद है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि इंडियन एक्टिविटीज़ में ही चाहिए, क्योंकि इंडिया वाले बहुत झगड़ा करते हैं, नहीं, कोऑर्डिनेशन हर जगह पे चाहिए। आज कोरोना का वायरस ही देख लो, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं है, जहाँ पे हम लोग अगर मोदी जी की बात नहीं मानेंगे तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हम सबको मिलकर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बाहर भी हर जगह पे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव फंक्शन। पॉइंट नंबर फाइव, कोऑर्डिनेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन उनको मेंटेन रखना है। आज एक फर्म के अंदर झगड़ा हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ ही होंगे, लेकिन संभालना किसको, सब कुछ मैनेजर्स को संभालना है। ये जो मैनेजर्स होते हैं वो हेड होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टॉप लेवल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करें। जब दो लोग काम कर रहे हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट, एक सुपरवाइजर, तो हर सुपरवाइजर को मैनेज करना पड़ेगा कि सारे सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सके, क्यों, वो मैनेजर है। तो कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सारे मैनेजर्स की। पॉइंट नंबर सिक्स, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट एक्शन, मतलब डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है नोइंगली, विलफुली, हमें खुद की इच्छा से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मैं ज़बरदस्त से आपसे कोऑर्डिनेशन नहीं करवा सकते, ना आप मेरे से करवा सकते हैं। सारे मैनेजर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वो काम कर रहे हैं अपनी इच्छा से करें, वरना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोई मेंटेन नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। सो आई होप आपको सारे के सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की और, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फोकस करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के आगे। पॉइंट नंबर वन, ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज, जब भी हमारी फर्म बड़ी होगी, हमारी फर्म आगे बढ़ेगी तो उसके अंदर एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे। वो एम्प्लॉयज के लिए हमें सबसे मेन क्या फीचर चाहिए, कोऑर्डिनेशन, वरना हम हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल पाएंगे कभी भी नहीं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे बड़ी हो रही है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बड़ी हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन के बिना बड़ी फर्म संभाल सकती नहीं है। ये हो गया उसका पहला इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस नंबर टू, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग ध्यान देंगे फंक्शनल डिफरेंशिएशन के ऊपर, एक फर्म के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड सो ऑन। ये सब लोगों के अलग अलग टारगेट होते हैं, अलग अलग एम्स होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं, लेकिन ये जितना भी डिफरेंशिएशन है अगर ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो इनका डिफरेंस मिनिमाइज हो जाएगा। ये जो मिनिमाइज डिफरेंस है वो सब क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है अगर हमें उसे रिड्यूस करना है तो हमें क्या चाहिए रहेगा, कोऑर्डिनेशन। और पॉइंट नंबर थ्री, स्पेशलाइजेशन। आज हम लोग फर्म के अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट हायर करते हैं, मुझे प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हम लोग 10 स्पेशलिस्ट लेके आ गए, फॉर एग्जांपल हम लोग 10 स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन के लिए लेके आ गए। अब वो जो 10 के 10 हमारे स्पेशलिस्ट है वो सब अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं, सब लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल, क्यों, वो स्पेशलिस्ट है। आज कोई भी प्रोफेशनल होता है तो वो ये सोचेगा कि भाई मैंने कह दिया मतलब बात खत्म है, तो वो हो गया उसका स्पेशलाइजेशन। लेकिन ये स्पेशलाइजेशन के कारण फर्म के अंदर झगड़े हो सकते हैं, ये झगड़े संभलेंगे कैसे, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर फर्म के अंदर स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत और बढ़ जाएगी। तो अगर फर्म चलानी है, फर्म की साइज बढ़ानी है, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कम करना है और स्पेशलाइज्ड लोगों के झगड़ों को कम करना है तो हमें क्या चाहिए रहेगा, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के बिना ये तीनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्या क्या चाहिए हम लोगों को, ग्रोथ इन साइज के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, और जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो स्पेशलाइजेशन है उसको रियल में स्पेशलाइज बनाना है तो झगड़े कम करवाओ, तो उसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। हे गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।